हेलो एवरीवन, एजी सोल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आ जाइए फील्ड में फिर से। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है उसका डेरिवेशन करके बता दिए थे और बताए थे ये जो होता है आपका, मतलब बोल सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 5 मार्क्स के आते हैं। कितने मार्क्स के 5 नंबर आपका रखा हुआ है यहाँ पे, मतलब एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें 5-7 नंबर आराम से उठा सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी जो हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही ग्राफ आपको बताते हैं। ग्राफ के बाद कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे, उसके बाद इसका हाफ लाइफ देखेंगे, उसके बाद उसके बेस्ट क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। बहुत ही सिंपल है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका ग्राफ। अब बोली ग्राफ क्यों बता रहे हैं यहाँ पे, ग्राफ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ग्राफ दे देगा आपको ऑब्जेक्टिव में, ग्राफ दिया रहता है, पहचानने बोलता है कि कौन सा ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है या हाफ लाइफ का है या जीरो ऑर्डर का है। इस तरह से बेसिकली जो क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा वो फर्स्ट ऑर्डर का ही आता है, जीरो ऑर्डर का कभी कभार आता है एक आध क्वेश्चन या नहीं आता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, मतलब क्वेश्चन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखिए, या फिर आप देख सकते हैं मतलब डेरिवेशन वगैरह जो पूछता है, तो आपको 5 मार्क्स रखा हुआ है, तो 5 मार्क्स तो आपका हो गया लॉन्ग में, प्लस ऑब्जेक्टिव में जो पूछता है वो अलग, यानी कि 5 से 7 नंबर मैक्सिमम 8 नंबर आप इससे गेन कर सकते हैं। छोटा सा चैप्टर से आप 8 नंबर उठा सकते हैं, अब समझिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ग्राफ किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो आज हम लोग पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसका ग्राफ पढ़ेंगे आज हम, क्या पढ़ेंगे, ग्राफ देखते हैं। दो ग्राफ है इसका, ग्राफ देख लेंगे। तो एक चीज आपको बताया थे, ध्यान में रखिएगा, जैसे ये जो है आपका, आज ही बताया थे, ए बराबर आप मान लीजिए आर लिख दें, ऐसे लिख सकते हैं आप। इसको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो कुछ कुछ बातें हैं जिसको आपको समझ में आना चाहिए। एक ए फॉर यहां पे कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि यहां नीचे जीरो दिया हुआ है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। और एक था आपका ए बटा ए माइनस एक्स, इसको आप सिंपली आर बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे बोलिए इसको, मान लीजिए रिएक्शन शुरू हो गया आपका, रिएक्शन जब शुरू हो गया तो मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट बन गया, पहले आपके पास ए था, उसमें से एक्स जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो बचा कितना, तो ए माइनस एक्स, इसको आप आर बोल सकते हैं, इसको रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम लोग बोलेंगे रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। आ रहा है समझ में। तो हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ये सब चीज आएंगे, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कभी कभी आपको ग्राफ जो है, पहला ग्राफ आपको बता रहे हैं, मतलब ln कॉन्सेंट्रेशन r और जो है वर्सेस टाइम, तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन सेकेंड ग्राफ देखेंगे तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। रिमेनिंग मतलब बचा हुआ कितने हैं आपके पास, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पहला ग्राफ खींच रहे हैं वो है आपका ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r वर्सेस टाइम, मतलब रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। तो रिएक्टेंट जो है हमेशा क्या होता है, उसका ग्राफ नीचे की ओर आएगा, घटेगा। रिएक्टेंट का जब रिएक्शन शुरू होता है तो होता है यहाँ पे क्या है, जब रिएक्शन आपका शुरू हो जाता है तो मतलब रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है डिक्रीज करता है, तो उसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, सिंपल, बस पहचानना है आपको, इस तरह से दे देगा। अब बोलेगा इनमें से ग्राफ इसका कौन है, जैसे ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r वर्सेस टाइम दे देगा, अब बोलेगा इसका ग्राफ को पहचानिए, तो ग्राफ आप पहचान सकते हैं। तो आपको पता है ये आपका y एक्सिस है और ये क्या है आपका x है, ये आपका जीरो होता है। अब मान लिया जाए इसका हम लोग ग्राफ खींचे, तो टाइम लेते हैं नीचे, ये होगी आपका टाइम और ये है आपका कॉन्सेंट्रेशन का, ये जो है आपका ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r,
कॉन्सेंट्रेशन आपको पहले भी बता चुके हैं, कॉन्सेंट्रेशन कहाँ लेते हैं, जैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देखे थे, और उसके बाद फिर देखे इंस्टेंटेनियस। तो कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा लिया जाता है वाई एक्सिस पर, और टाइम को लिया जाता है एक्स एक्सिस पर। मान लीजिए अभी इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है, इस पॉइंट पर है, तो ये क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, किधर आएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। तो इसका स्लोप जो के होता है माइनस में होता है। अब यहाँ पे इसका के का वैल्यू यदि हम निकालें, यदि इसका के का वैल्यू आपको पूछे कितना है, तो के यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट है, तो इसका जो के होगा माइनस स्लोप, माइनस स्लोप मतलब टेन थीटा है, क्या है आपका टेन थीटा है। अब सिमिलरली हम देख रहे हैं आपका सेकेंड ग्राफ, तो दूसरा ग्राफ जो होगा आपका, दूसरा नंबर जो ग्राफ होगा, ध्यान से देखिए, वो मान लीजिए एलएन है, ठीक है, और दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर जीरो बटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अब वर्सेस टाइम। अब इसका ग्राफ पूछेगा आपको, ये तो आपको बता दिए कि किसको क्या बोलेंगे। यदि इस तरह दिया हुआ है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ए माइनस एक्स है, मतलब इसका जो है कुछ प्रोडक्ट में बदल गया, तो इसको हम मान लिए आर है, ठीक है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, मतलब इसी को बोल सकते हैं ए बटा ए माइनस एक्स, ए बटा ए माइनस एक्स और टाइम के बीच। तो ग्राफ हम आराम से प्लॉट कर सकते हैं, जैसे मान लिया जाए इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, तो ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है आपका जीरो। तो टाइम लेते हैं इस पर एक्स एक्सिस पर टाइम, और जो है वाई एक्सिस पर जो लेंगे कॉन्सेंट्रेशन है आपका, ये एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर जीरो बटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, यानी कि रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया वाई एक्सिस पर। अब जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो प्रोडक्ट शुरू में क्या रहता है, जीरो रहता है, उसके बाद बढ़ना शुरू होता है, मतलब यहां से बढ़ेगा। तो सिंपल वे में ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस टाइप से नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि यहाँ पे के देखा जाए के पॉजिटिव होगा, तो ये जो है के है, के यहाँ पे क्या है स्लोप है, के यहाँ पे क्या है आपका स्लोप है, या स्लोप यानी इसका स्लोप, यदि आपको पूछेगा कि स्लोप इसका कितना है, स्लोप इसका स्लोप हो जाएगा के वाई 2.303। अब ये जो है बहुत ही इजीली पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई ये ग्राफ दिया हुआ है तो इसका स्लोप के वैल्यू कितना होगा, यानी इसके मतलब इतना भर से इसके बीच का जो ग्राफ है, मतलब इस ग्राफ का जो है स्लोप का वैल्यू कितना है, तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। और ये स्लोप जो होता है के बराबर होता है, इसका स्लोप जो है के बराबर होता है, और मतलब रेट कॉन्स्टेंट के बराबर होता है, और इसका जो है स्लोप के बाय 2.303 के बराबर होता है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, ये आपको हेल्प करेगा कहाँ पे, ऑब्जेक्टिव में सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि ये चीज दिया हुआ भाई इसका स्लोप इनमें से कौन है, तो ये बोलिएगा। और यदि इस स्लोप का पूछ रहा है तो सिर्फ के, इसका पूछेगा तो इसका स्लोप सिर्फ क्या होगा, के होगा, क्या होगा, के होगा, इतना तो याद रख सकते हैं, बस इतना ही, आपको प्लॉट करने भी नहीं बोलेगा, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका क्या करें आप लोग फटाफट, इसका फटाफट क्या करें आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देख लेते हैं एक आध न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल हम बना देंगे, एक आप क्या करेंगे बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग मतलब हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु, क्या चीज, अर्ध आयु देखेंगे। तो चलिए इसका फटाफट क्या करें आप लोग स्क्रीनशॉट लें। चलिए ये रहा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। डेरिवेशन तो आपको बता दिया गया था, तो जो इसके पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं वो ये वीडियो को मत देखिएगा क्योंकि समझ में आएगा नहीं, तो पिछला लेक्चर पहले देख लें उसके बाद ही इसको देखें, तो आपको अच्छा से यदि समझना है। तो ये क्या बोल रहा है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कॉन्स्टेंट 60 सेकेंड इनवर्स। अब जैसे सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है, मतलब इससे भी पता कर सकते हैं कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है ना, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बताया गया था कि आप यूनिट रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट को देख के बता सकते हैं कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। व्हाट विल बी द टाइम टेकन फॉर कंप्लीट द 75% रिएक्शन। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ठीक है, और केमिकल काइनेटिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही आसान होते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन में जो फॉर्मूलाज वगैरह आया
उसका ध्यान होना चाहिए, और किसको क्या बोलते हैं उसका नाम याद होना चाहिए बस। अब देखिए, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है 60 सेकेंड इनवर्स। 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? रेट कांस्टेंट दे दिया। फिर बोल रहा है कि यदि रेट कांस्टेंट दिया हुआ है तो बताइए 75 कोई अभिक्रिया है उसका 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा। मतलब एक लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा। तो कुछ बातें जो आपको याद रखना है, जैसे आपको बताया गया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपका इक्वेशन था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टाइम आया था, टाइम t इज इक्वल टू आया था कितना, 2.303 बटा के लॉग a बाय a माइनस एक्स, यही आया था ना। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, टाइम कितना लगेगा, कितना लगेगा टाइम। k का वैल्यू दे दिया है, k यहाँ पे क्या है, t है यहाँ पे टाइम, k क्या है रेट कांस्टेंट जो दिया हुआ है। तो कहने का मतलब आपसे पूछा जो जा रहा है कि टी निकालिए, टी कितना है। अब यहां पे सोच रहे हैं ए क्या है, ए माइनस एक्स क्या है, तो ये सब ये सारे चीज आपको पहले बता दिया गया है ना। तो यहां पे ए जो है, ए को बोलते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब प्रारंभिक सांद्रता। रिएक्शन जब शुरू नहीं हुआ था उस समय जो आपका रिएक्टेंट का सांद्रता है उसको बोलते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता। और ए माइनस एक्स जो है, और एक्स जो है आपका प्रोडक्ट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। तो पिछला लेक्चर जो देखे होंगे उसको याद होगा। और ए माइनस एक्स जो है इसको बोलते हैं रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलते हैं, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ और ये सारी यदि जानकारी आपको है, ये बात पता है, फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया तो सीधा आपको क्या फॉर्मूला लिखना है, t इज इक्वल टू 2.303 बटा के लॉग a बाय a माइनस एक्स। ए यहाँ पे क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, a माइनस एक्स को बोलेंगे रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। और x की बात करें तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट में बदला। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने कोशिश करते हैं। तो गिवन डाटा आपको कुछ नहीं है, k दे दिया है और 75% रिएक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। रिएक्शन कंप्लीट कितना हुआ, 75%, इतने दिया हुआ है। तो बोल रहा है मतलब आपको 75% कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है यहाँ पे, व्हाट विल बी टाइम टेकन फॉर कंप्लीट द 75% रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, ठीक है, 75% पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो आप क्या करें, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, तो क्वेश्चन अभी अभी आपको बता दिया गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, गिवन पहले लिख लेते हैं, गिवन रेट कांस्टेंट ये जो दिया है 60 सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है ना, इसी को बोलते हैं के। तो के बराबर हो गया 60 सेकेंड इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं ना। आपसे पूछ रहा है 75% जो है कंप्लीट होने के लिए टाइम पूछ रहा है, t इज इक्वल टू व्हाट फॉर कंप्लीट द 75% रिएक्शन। तो 75% रिएक्शन कंप्लीट का मतलब होता है, यहां पे ध्यान देंगे, इस कंडीशन को ध्यान देना है आपको। इसका मतलब क्या है कि आपका शुरू में जो रिएक्टेंट था 100 होगा, शुरू में रिएक्टेंट कितना होना चाहिए, 100 होगा, 100 होगा। तो परसेंटेज का मतलब 100 होता है, क्या होता है, परसेंटेज मतलब 100 होता है। तो इस केस में यदि हम ए बोलें कि ए बराबर कितना होना चाहिए, तो ए बराबर है आपका 100, ए बराबर कितना मान लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 100 आपको बता चुके हैं, ए बाय ए माइनस एक्स होता है, ए को क्या बोलते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, पहले लिखवा दिए, ए माइनस एक्स को बोलते हैं रिमेनिंग, मतलब बचा कितना है, और सिर्फ एक्स पूछेगा तो ये क्या है प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट में बदल गया, मतलब आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया में मान लीजिए 25 रुपया खर्च हो गया, तो कितना बचा, 75, कितना बचा, 75। तो बोला है 75% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा।
और यहाँ जो एक्स है बच्चे, एक्स जो है, एक्स है 75, एक्स कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो याद रखिएगा बोला 75% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना समय लगेगा, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है आपका 100, और आपको कितना कंप्लीट करना है, कितना रिएक्शन कंप्लीट करना है 75, कितना करना है 75, तो ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, यहाँ 75% क्या हो गया प्रोडक्ट, 100 में मतलब 75% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो वही टाइम निकालना है आपको। तो आपको क्या क्या दे दिया, देखिए गौर से, के दे दिया है, ए का वैल्यू कैसे पता किया, पता चल गया ना, परसेंटेज में दिया है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 होगा, 100 होगा, और उसमें बोला है 75% कंप्लीट होने में समय कितना लगेगा, तो यानी कि एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, यहाँ 75 क्या है प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब यदि हम निकालें फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यदि वी नो दैट अब जानते हैं, क्या जानते हैं, टाइम निकालना है ना, तो टी इज इक्वल टू होता है 2.303 बटा के लॉग ए बाय ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा वैल्यू, सबको पुट कर दीजिए, ये आपके सामने वैल्यू है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आराम से आप बनाइएगा। परसेंटेज में दिया जैसे दिया है, मतलब ए बराबर कितना लेना है आपको 100 लेना है, तो देखिए टी बराबर, टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 सेकेंड इनवर्स है इंटू लॉग ए का वैल्यू कितना है 100, और नीचे कितना हो जाएगा 100 माइनस 75, आराम से बना सकते हैं। तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 लॉग कितना 100 अपॉन 75 कितना 25 सेकेंड, s पर क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकेंड, 25 से काटेंगे, 25 का 25, 25 चौके 100 है ना, यानी कि t इज इक्वल टू 2.303 बटा 60 और लॉग कितना 4 सेकेंड, लॉग 4 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 2 से गुना कर दीजिएगा उसको तो 0.6020 हो जाएगा, आ रहा है समझ में, तो लॉग 4 का वैल्यू आप लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, दो ही अंक लेंगे बनाते समय, तो लॉग 4 का वैल्यू हो जाता है आपका 0.6020, तो आप क्वेश्चन बनाते समय डेसिमल के बाद दो ही अंक लेंगे, ठीक है, यानी कि t इज इक्वल टू हो जाएगा 2.30 कितना 3 बटा 60 और गुना कितना हो जाएगा 0.60 और क्या चीज़ सेकेंड, कितना आसानी से आ रहा है, ठीक है, डेसिमल को यदि हम हटा दें तो नीचे कितना आ जाएगा 100, तो 60 से 60 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 60 से 60 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आराम से इसको कर सकते हैं, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2.303 इंटू 60 अपॉन 60 इंटू बटा 100 हो जाएगा सेकेंड, ये दोनों कैंसिल है ना, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद फिर कितना बच जाएगा आपका, भागा दे दीजिए ना, यानी कि t इज इक्वल टू बचा आपका 2.303 और बटा कितना 100, दशमलव यहाँ है, यानी कि आप बोल सकते हैं t इज इक्वल टू 0. है ना, एक जीरो लेंगे 2.303 सेकेंड, एस फोर यहाँ क्या है सेकेंड, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो गया, तो आसानी से नहीं आ गया, आसानी से आ गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना, देख लिए, जैसे डेसिमल यहाँ है ना, और 100 है यहाँ पे, 10 रहता तो यहाँ आ जाता डेसिमल, 100 है तो 1, 2 है, और दूसरा आपका एक जीरो लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा आपका, ठीक है, और सॉरी 0.023 चेक कर सकते हैं आप, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं।
इसको ध्यान से देखिए आप लोग, एक बार एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, क्या करना है सॉल्व करना है आपको। देख लिए सर, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको कि परसेंटेज में रहे, तो आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 100 मानेंगे और जितना परसेंट दिया है वो क्या हो जाएगा एक्स, यानी कि क्या हो जाएगा प्रोडक्ट। उसके बाद ये फॉर्मूला आपको पता है, उसके बाद प्रोसीड करें। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन देते हैं जिसको क्या करना है आपको बनाना है। अब बना लेने के बाद कमेंट सेक्शन में क्या करना है, कमेंट करना है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, उसको बना देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसका क्या करें, स्क्रीन शॉट ले लें आप लोग। तो अभी एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, है ना, इसको क्या करना है आपको बना के और कमेंट सेक्शन में भेजना है। ठीक है, तो हमें पता चलेगा आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब वीडियो बच्चे अच्छा लगता है तो थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने खुद देख लें, तुरंत क्या करें आगे शेयर कर दें वीडियो को, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें आप वीडियो को। ठीक है, चूंकि मतलब इतना तो आप कर सकते हैं, आपके लिए हम मतलब जो है इस तरह का काम हम आपका भलाई कर रहे हैं, तो कहने का मतलब आप भी किसी और का भलाई कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है एक, यदि आपको समझ में आ रहा है ठीक से, तो आप क्या करें फटाफट तुरंत तुरंत क्या करें वीडियो शेयर कर दें, और जिनको आप शेयर करते हैं उनको भी बोलिए अगला को शेयर कर दें, ताकि सभी समाज के जितने भी लोग हैं, जो भी विद्यार्थीगण हैं, सबको लाभ पहुंचे और 2021 के एग्जाम में अच्छे नंबर से पास करें। तो मेरा टारगेट है 2021 जिसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स ला के आपको पास करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब अपने हौसला बढ़ाना है नंबर ला के, माता पिता का हौसला बढ़ाना है, क्योंकि अभी इस स्थिति में आप मेहनत कर रहे हैं, समझ सकते हैं, आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे, आप भी कम मेहनत नहीं कर रहे हैं। इस लॉकडाउन की स्थिति में आपका भी मनोबल मतलब नहीं गिरना चाहिए, जिसके लिए हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें दोस्तों में, जहाँ का भी दोस्त हो उसको फटाफट क्या करें आप लोग शेयर करें। तो ये क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन क्या है आपका, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 90% कंप्लीटेड इन 20 मिनट्स। मतलब एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वो 90% कंप्लीट हो जाता है, मतलब 100 में 90%, जैसे आपके पास 100 रुपया है उसमें 90 रुपये खत्म हो जाता है मार्केट जाने के बाद, कितना मिनट में, 20 मिनट में। तो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका 90% कंप्लीट होता है आपका 20 मिनट में। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% रिएक्शन कंप्लीटेड। तो फिर बोल रहा है कि 99% अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए टाइम कितना होगा, टाइम कितना चाहिए, कितना समय चाहिए, मतलब 20 मिनट में कितना प्रतिशत कंप्लीट होता है, 90% कंप्लीट करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी, ये निकालने बोल रहा है, वही क्वेश्चन है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 90% अभिक्रिया 20 मिनट में पूर्ण होता है, तो 99% अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए समय की आवश्यकता होगी, समय की आवश्यकता होगी। अब लोग क्या करेंगे, खुशी खुशी इसको बनाएंगे, है ना, उसके बाद जो हो सही गलत जो भी हो, जितना आपको समझ में आए अब बना के क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में भेजेंगे। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ये फर्स्ट पोर्शन को आप लोग को बनाना है। सबसे पहले टाइम दिया हुआ है और कितना प्रतिशत कंप्लीट हो रहा है वो दिया है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, रेट कॉन्स्टेंट क्या निकल जाएगा, और जब रेट कॉन्स्टेंट निकल जाएगा तो फिर बोला है 99% अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, जब के आपको मिल गया और तो आपको 99% में निकाल सकते हैं टाइम, क्या निकाल सकते हैं टाइम निकाल सकते हैं। दो स्टेप में ये बनेगा, इसको बना ले, क्वेश्चन बहुत छोटा दिख रहा है लेकिन दो स्टेप में बनेगा, बहुत ही आसान है, आप 2 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में यदि आपसे नहीं बनेगा हम इसको क्या करेंगे बना देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये जो हम लोग देखने वाले हैं वो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ देखने के पहले मतलब आप इसको क्या करें स्क्रीन शॉट ले लें। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं, फिर से सीखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन आपसे डील करने जा रहे हैं। जो टॉपिक का नाम है यहाँ पे वो है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ इसका भी डेरिवेशन आता है और इससे भी क्वेश्चन आता है, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है और यहाँ से भी क्या आता है आपका डेरिवेशन आता है। तो पढ़ना जरूरी है कि नहीं, पढ़ना जरूरी है, तो आपको एग्जाम में इसका मजा पता चलेगा। अभी आपको कुछ पता नहीं चलेगा, अभी जो पढ़ा रहे हैं इसका मजा आपको कहाँ आएगा, एग्जाम में। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करते रहना है,
जिसको पढ़ लिए उसको भी क्या करना है, लगातार प्रैक्टिस करना है। जो प्रैक्टिस करेंगे, जो रिवीजन होगा, वही आपका अपना होगा। आप मान लीजिए बहुत सारा पढ़ लिए लेकिन खोपड़ी में कुछ नहीं रखे हैं तो कोई फायदा होने वाला नहीं। इसलिए प्रैक्टिस चाहिए। एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, मतलब जब तक नहीं समझ में आया था अपने से नहीं कर लेते तब तक पढ़िए, यदि एग्जाम में बेटर करना है तो। अभी जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे आप उतना आसान हो जाएगा एग्जाम के समय, आप उतना आसानी से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मान लीजिए जो बच्चा अभी मेहनत नहीं कर रहे हैं वो क्या है, कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी माथा खुजलाएगा। तो आपको इंडिपेंडेंट रहना है, डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे अभी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको बोलते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु, प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु, प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु। तो यह है आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु। अर्धायु मतलब क्या होता है, अर्धायु का मतलब हाफ लाइफ जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ए क्वांटिटी में कुछ है और इसका आधा खत्म हो गया तो क्या बोलते हैं, ए बटा टू, क्या बोलते हैं, ए बाई टू, क्या बोलते हैं इसको, ए बाई टू बोलते हैं। तो आधा होने में कितना समय लगा, आधा होने में कितना समय लगा उसको अभिक्रिया की अर्धायु। जैसे दूध से दही जमा रहे हैं, एक केजी दूध है आपका, मान लीजिए आधा एक केजी दूध में आधा केजी दही जमने में आपका लग गया 5 घंटा। कितना लग गया, मतलब आपके पास दूध कितना है, 1 केजी है, और उसका आधा केजी दही में बदलने में कितना लग गया, 5 घंटा लग गया। तो इसका अर्धायु कितना हो जाएगा, इसका अर्धायु हो जाएगा 5 घंटा। कितना हो जाएगा, 5 घंटा इसका अर्धायु हो जाएगा, हाफ लाइफ जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ बोलेंगे। तो कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसका आधा कंप्लीट होने में, मतलब आधा कंप्लीट होने का मतलब हुआ कि आधा रिएक्टेंट से 50% जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने में कितना समय लग रहा है। सिंपल बात है, मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है, उसी समय को हम अर्धायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धायु बोलते हैं, उसी क्या बोलते हैं हम लोग, अर्धायु बोलते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, दैट टाइम ड्यूरिंग विच, टाइम ड्यूरिंग, सिंपल आपका परिभाषा लिखवाया जाए, कोई घुमा फिरी नहीं, टाइम ड्यूरिंग विच 50% रिएक्शन, 50% रिएक्शन, 50% रिएक्शन क्या बोल सकते हैं, इज कंप्लीटेड, इज कंप्लीटेड। 50% रिएक्शन कंप्लीटेड का मतलब हुआ कि जितना रिएक्टेंट था उसका 50% किस में बदल गया, प्रोडक्ट में बदल गया। जितना रिएक्टेंट था उसका 50% किस में बदल गया, प्रोडक्ट में बदल गया। मतलब द टाइम ड्यूरिंग विच 50% रिएक्शन इज कंप्लीटेड इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। यदि फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ होगा, यदि सेकेंड ऑर्डर होगा तो सेकेंड ऑर्डर का हाफ लाइफ होगा, और यदि जीरो ऑर्डर होगा तो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ होगा। आ रहा है समझ में, टाइम ड्यूरिंग विच 50% रिएक्शन इज कंप्लीटेड इज कॉल्ड, यदि फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के अंदर पढ़ते हैं तो सेकेंड ऑर्डर लिखते, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या बोल सकते हैं, अभिक्रिया के 50%, इसको बोल सकते हैं अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगे समय को, समय को प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु
आगे समझ में, बहुत ही सिंपल था, एक ही आपका बहुत ही सिंपल है। इतना लिखने के बाद आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। मान लिया फाइव नंबर में पूछ दिया कि मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायु से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसे आप क्या समझते हैं, क्या बोलिएगा, पहले परिभाषा लिखना है आपको, अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगे समय को प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु कहते हैं। चलिए इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मेन इसका डेरिवेशन होता है। बिना डेरिव आप सोचेंगे इतना लिख देंगे पांच नंबर आ जाएगा, नहीं, बिना डेरिवेशन का कोई उपाय नहीं। और यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिराइव करना है आपको, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ को यदि डिराइव करना है, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला है उसको याद होना जरूरी होता है, इसलिए इसके बाद इसको पढ़ाया जा रहा है। चलिए इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट लें। आइए इसको डिराइव करते हैं, ठीक है। तो इसको डिराइव करना बहुत ही आसान होता है। जैसे मान लीजिए वी नो दैट, आप जानते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ चुके हैं, चूंकि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पूछ रहा है ना, तो T इज इक्वल टू होता है फर्स्ट ऑर्डर का 2.303 बटा के लॉग कितना a बटा a माइनस एक्स। ये जो है आपका किसका है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, टाइम है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ मानते हैं, इसको इक्वेशन यदि वन मान लें, फर्स्ट ऑर्डर का है, इसको आप क्या करें इक्वेशन वन मान लें, कितना मान लें वन। लेट टी को मान लें आपको टी हाफ, लेकिन टी की जगह क्या लिखना है टी हाफ। तो बोलिएगा टी हाफ यहाँ क्या है, यही टी हाफ जो है इसे बोलते हैं हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की अर्धायु, अभिक्रिया की अर्धायु, अर्धायु का मतलब अर्ध जीवन काल, अर्धायु का मतलब क्या होता है अर्ध जीवन काल, ठीक है। और क्या मानना है आपको, जो प्रोडक्ट है, जैसे आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है ये है, तो इसका आधा होने में कितना समय लगेगा, और प्रोडक्ट को हम लोग क्या मानते हैं एक्स, यानी कि एक्स बराबर आप बोल सकते हैं ए बाई टू, यानी कि अभिक्रिया मतलब अभिकारक जो है उसका आधा होने में कितना, आधा प्रोडक्ट में बदलने में कितना समय लगेगा, तो एक्स को बोलते हैं प्रोडक्ट, एक्स को क्या बोलते हैं प्रोडक्ट, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा ए बाई टू। अब ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड टी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन है, इसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे, कीजिए पुट। तो टी की जगह क्या लिखना है आपको टी हाफ, ये हो गया हाफ लाइफ हो गया, ठीक है। और बराबर क्या है 2.303 बाय के लॉग, यहाँ पे x बराबर कितना है a बाय टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा a बटा a माइनस a बाय टू, x की जगह कितना रख दिए आपका a बाय टू। अब इसको क्या करना है बच्चे, सॉल्व कर लेना है इसको, इसको क्या करना है आपको सॉल्व, तो सॉल्व करने तो आता ही है, तो 2.303 बटा के लॉग a बाय, यहाँ पे लेंगे आपका LCM, तो 2a माइनस a इतना हो जाएगा, दो कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो इसको यदि संभाल के लिखें तो 2.303 और बटा कितना k लॉग कितना हो जाएगा 2a बटा a, a से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2.303 लॉग कितना हो जाएगा 2 बटा के। इसको यदि लिखें संभाल के तो इसका वैल्यू कितना होता है, तो लॉग 2 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, लॉग 2 बराबर 0.3010 होता है, यानी कि आप टी हाफ बराबर इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसी को लिख सकते हैं आप 2.303 और गुना 0.3010 और बटा कितना के, लिख सकते हैं ना, यानी कि टी हाफ बराबर आप लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आता है आपका 0.693 और ये फिक्स हो गया, तो टी हाफ इज इक्वल टू हो गया
0.693 बटा के, इसी को बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया प्रूफ। इसको याद रखना है, क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। टी हाफ बराबर अचानक पूछ देगा तो सिर्फ के का वैल्यू पुट कर देना इस वैल्यू में, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। इसमें भी पुट करेंगे तो एक ही बात है, इसमें भी पुट करेंगे तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, तो कहने का मतलब आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया प्रूफ। ये वैल्यू कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बोर्ड में, बोर्ड या कोई भी एग्जाम में कहाँ पूछता है, ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन तो बनाना है लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ इसमें से कौन है। तो याद, टी हाफ बराबर, टी हाफ को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। तो 0.693 बाय के, 0.693 बटा के, और के यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट है। आगे समझ में है ना। तो क्या किए देखिए एक बार और समझ लें आप, क्या समझना है। हाफ लाइफ पूछ रहा है मतलब जो रिएक्टेंट होता है उसका आधा होने में कितना समय लगता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। टी को मान लें टी हाफ, और यहाँ पे एक्स को मान लें ए बाई टू, मतलब जो रिएक्टेंट है उसका आधा होने में कितना, उसका आधा प्रोडक्ट बनने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ प्रोडक्ट कौन हो गया, एक्स हो गया, तो एक्स बराबर ए बाई टू। अब ये दोनों वैल्यू को सिंपली आप जो इक्वेशन वन है इसमें पुट कर दिए, अब पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो 0.693 बटा के। क्वेश्चन बनाते समय आप ये वैल्यू डायरेक्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यदि कटता है तो। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, एक न्यूमेरिकल बताते हैं इसके आधार पर, फिर आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो न्यूमेरिकल दिए उसको बनाइएगा आप, है ना, और कमेंट किए करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, उसके बाद आएगा कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी पढ़ने के बाद अरहेनियस पढ़ेंगे, अरहेनियस के बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। बहुत ही छोटा चैप्टर लेकिन 8 नंबर आपका रखा हुआ है, बार बार बोल रहे हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें, तो चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके आधार पे हाफ लाइफ बराबर देखिए टी हाफ इज इक्वल टू था 0.693 बाय के, कैसे आया बता दिया गया था, उसके आधार पे क्वेश्चन है। हजारों हजारों क्वेश्चन बन सकता है यदि डेरिवेशन आपका पक्का है, ठीक है, समझ में आ गया तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 25% डिसोसिएट इन 40 मिनट्स, फाइंड आउट द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। बोला एक प्रथम कोटि का अभिक्रिया है, 40 मिनट में 25% क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट मतलब वियोजित हो जाता है, मतलब प्रोडक्ट में बदल जाता है, प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो बोल रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात कीजिए, मतलब एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 मिनट में 25% का वियोजन होता है। अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात कीजिए, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 मिनट में, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 मिनट में कितना 25% का वियोजन होता है। अभिक्रिया की क्या निकालना है, अर्धायु निकालना है। तो 2-4 सेकंड में क्वेश्चन आपसे बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यदि इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ टाइम दे दिया आपको, टाइम दिया है 40 मिनट। सबसे पहली बात, टाइम कितना दिया है 40 मिनट। कितना प्रतिशत डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट में बदल रहा है, 25% जो है डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। डिसोसिएट मतलब टूटना, मतलब प्रोडक्ट में बदलना, मतलब यहाँ पे लेट मान लेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ x बराबर प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा 25। अब ये t मिल गया, ये पता है, x पता है, तो क्या नहीं पता है आपको, k निकालना है। यदि k मिल जाएगा, यदि k को खोज लेंगे, चूँकि होता है फॉर्मूला क्या, 0.693 बटा k होता है। यदि k मिल गया तो फिर आसानी से क्या मिल जाएगा आपका, फिर आसानी से आपका मिल जाएगा क्या चीज़, हाफ लाइफ मिल जाएगा। हाफ लाइफ के लिए क्या चाहिए, के चाहिए, क्या चाहिए, के। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, के। तो एक अभिक्रिया है जो 40 मिनट लग रहा है 25% मतलब प्रोडक्ट में बदलने में, 25% का मतलब उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना मानेंगे 100, तो x यहाँ प्रोडक्ट में कितना बदला, कितना प्रतिशत, 25% है, तो 25% क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, तो के बराबर निकालना है आपको। तो चलिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, अब क्या जानते हैं देखिए, कि t इज इक्वल टू होता है 2.303 और बटा k, t
टी इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग ए बाय ए माइनस एक्स होता है। तो आपको चाहिए क्या, के चाहिए, तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 अब बटा कितना टी लॉग ए बाय ए माइनस एक्स। बस आपको थोड़ा क्या खोज रहा है, तो हमें हाफ लाइफ बोल दिया मतलब के, और इससे सिर्फ के ही निकाला जा सकता है, के मिल जाएगा तो हाफ लाइफ मिल जाएगा, कोई दिक्कत, चूंकि टी हाफ बराबर होता है 0.693 बटा के। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल सकते हैं आप, तो के इज इक्वल टू 2.303 बटा कितना मिनट है, 40 मिनट है, ऊपर जाएगा तो मिनट इन्वर्स हो जाएगा, लॉग ए कितना हो जाएगा 100 बटा 100 माइनस 25 आराम से, तो 2.303 बटा 40 लॉग कितना हो जाएगा 100 बटा आपका 75, कितना पता 25 है ना, तो 25 है तो कितना हो जाएगा 125 गया तो 75 लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे कर देते हैं आपको मान ले 75%, कितना कर दें 75%, मान लीजिए 75% है, कितना है 75%, कुछ भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप 25 से भी बना सकते हैं, इससे और आसान हो जाएगा, मान लीजिए 75% कितना बचेगा आपका 25, तो 25 से का 25 से कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि आपको बचा कितना 2.303 बटा 40 और लॉग कितना हो जाएगा लॉग 4, लॉग कितना हो गया आपका 4। इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चे, इसको आप लिख सकते हैं 2.303 इंटू 0.60, लॉग 4 का वैल्यू 0.6020 होता है, तो हम क्या किए 0.60 दो वैल्यू लेंगे अब बटा कितना हो जाएगा 40, यानी के मिल गया आपको, के आपको मिल चुका है, के इज इक्वल टू आ गया आपका 2.303 इंटू 60 अपॉन 40, और क्या चीज़ मिनट इन्वर्स, ये क्या हो जाएगा आपका मिनट इन्वर्स। अब जब ये मिल गया आपको, जब ये मिल गया, के मिल गया, तो हाफ लाइफ नहीं निकलेगा, तो हाफ लाइफ निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ लाइफ निकालने के लिए मात्र आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला को पुट कर देंगे, फार्मूला को पुट कर देंगे आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या करें, फटाफट स्क्रीनशॉट लें, आगे बताते हैं। अच्छा, जो आपका गिवन डेटा था उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, यानी गिवन में जो था आपका उसको ठीक कर लेंगे थोड़ा सा, चूँकि थोड़ा चेंज किए थे, 75 किए थे, 25 से क्या किए थे 75, तो आपका जो टी था वो तो उतने रह जाएगा, 40 मिनट था नज़र आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। ए कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, और एक्स कितना हो जाएगा 75, तो थोड़ा सा वहाँ चेंज कर लीजिएगा, वहाँ पे जो है एक्स की जगह कितना लिखेंगे 75, एक्स की जगह कितना लिखेंगे 75 लिखिएगा, एक्स की जगह 75 कर लीजिएगा, ठीक है। अब चाहिए आपको टी हाफ चाहिए, हाफ लाइफ चाहिए ना, तो टी हाफ होता है, तो टी हाफ बराबर होता है 2.303 और बटा के लॉग कितना आया था, लॉग 2 आया था, लॉग कितना आया था आपका लॉग 2 आया था आपका लॉग 2, आप इसी को लिखते हैं, आप इसी को लिखते हैं कितना 0.693 बटा के, इसी को इतना लिखते हैं, ठीक है 0.693 बटा के लिखते हैं। तो चलिए हम जो है, या फिर ऐसे कर सकते हैं, इसको आपको आसान करने के लिए कट जाए, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े इसीलिए, नहीं तो इसका पूरा वैल्यू लिख के हम यहाँ पे के बैठा सकते थे। इसी को कितना लिख सकते हैं आप 2.303 और गुना कितना 0.30 अब बटा कितना है के, या इसी को आप लिखते थे 0.693 बटा के, आ रहा है समझ में। तो इस तरह का वैल्यू देखिए आप ये भी ले सकते हैं, ये तो फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करके आ गया ना, लेकिन हमें क्या करना है, के का वैल्यू पता है, के का वैल्यू थोड़ा इस टर्म में हमें दिख रहा है 2.303 के टर्म में दिख रहा है, तो क्यों नहीं हम
इसी को डायरेक्ट पुट कर दें ताकि कट जाए, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आपका, आसान हो जाएगा। तो मान लीजिए हम ये वैल्यू ले लेते हैं टी हाफ का, ठीक है, ये वाला वैल्यू ले लेते हैं, एक ही है ये तीनों ही एक ही है, ठीक है। तो टी हाफ, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा लगाना है। यदि इसको लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा भारी हो जाएगा, इसको लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, कट जाएगा कुछ पार्ट। तो आप बोल सकते हैं टी हाफ, ऐसे आपकी मर्जी कोई भी लीजिए, ठीक है, कैलकुलेशन तो आपको करना है। टी हाफ बराबर कितना लिख सकेंगे, 2.303 और इंटू 0.30, इतना ले ले सकते हैं, दो अंक ले रहे हैं। के का वैल्यू पुट कर दीजिए, 2.303 इंटू 60 कितना हो जाएगा, इंटू 60 हो जाएगा, 60 लिखे नहीं, 0.60 है, 0. कितना है, log 4 का वैल्यू 0.60, तो कितना लेंगे, 0.60 आ रहा समझ में। अब बटा कितना है, 40, बटा कितना है, 40। अब देखिए कितना आसान हो गया, इससे इससे कट गया, डेसिमल से डेसिमल क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, आ रहा समझ में। तो टी हाफ कितना हो जाएगा बच्चे, टी हाफ इज इक्वल टू ये 30 और बटा कितना हो जाएगा, 60। अब देखिए 30 एक 30 और 30 दुना 60, 2 एक 2 और 20 दुना 40, यानी कितना हो जाएगा, 20 मिनट। ये मिनट इनवर्स है ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, यानी कि इसका हाफ लाइफ हो गया, टी हाफ इज इक्वल टू 20 मिनट। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल होता है, आप डायरेक्ट इस वैल्यू को रख के भी कर सकते थे, इसको पूरा कैलकुलेट कर लिए, वैल्यू रख दीजिए, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। तो आपको एक हिदायत देते हैं कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, के का वैल्यू रखना हो, तो आप क्या करें कि आप जो है इस फॉर्म में रखें, इससे फायदा क्या होगा, टाइम का बचत होगा। देखिए डाइट कितना अच्छा कट गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से आ गया, कितना आया, हाफ लाइफ इसका 20 मिनट, यानी कि एक अभिक्रिया है जो कितना 40 मिनट में कितना कंप्लीट हो रहा है आपका, 40 मिनट में 75% कंप्लीट हो रहा है, कितना हो रहा है, 40 मिनट में 75%। तो बोल रहा है कि आधा होने में कितना समय लगेगा, तो आधा होने में कितना आ गया आपका, 20 मिनट, कितना आ गया, 20 मिनट। तो इस तरह से बना सकते हैं आप। तो आज का लेक्चर आपका यही समाप्त होता है ना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और आप क्या करें इसका नोट्स बना लें, यदि समझ में नहीं आए तो फिर से कमेंट करें, आप क्या करें कमेंट करें, फिर से आपको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो न्यूमेरिकल दिया गया है उसको बना के आप कमेंट सेक्शन में भेजें। तो ठीक है बच्चे, वीडियो को देखते रहिए और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके बच्चे तक पहुँचाएं, क्योंकि अब देखिए कोरोना की वजह से अब क्लास आपका नहीं खुलेगा, ये कन्फर्म है, आप नहीं आ पाएंगे क्लास आने का कोई चांसेस नहीं है, खुलेगा ही नहीं, इसलिए हम आपको मदद कर रहे हैं, आप किसी और को मदद कीजिए, जितने भी बच्चे हैं सब तक वीडियो पहुँचाएँ आप, ठीक है। आपको पता चल ही गया होगा कि आपको पूरा बोर्ड बेसिस और पूरा NCERT पढ़ाया जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। रही बात बोर्ड एग्जाम में, यदि मेरे लेक्चर को बच्चे, कोई भी बच्चे यदि कंटिन्यू वे में देखेगा तो उसका 90+ 95+ जो है रखा हुआ, 95+ रखा हुआ पूरा लिख के आएगा, कोई उपाय नहीं है। तो इस तरह से आप क्या करें, कंटिन्यू रहें और मेरे साथ बने रहें, ठीक है। और यदि समझ में नहीं आता है, समझने में दिक्कत है, तो क्या करें कमेंट सेक्शन में भेजें कि ये चीज़ नहीं समझ, तो फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर से बता दिया जाएगा। तो इतना तक पढ़ें, उसके बाद आप पढ़ के एक्सपीरियंस कैसा लगा, अच्छा लगा खराब लगा, थम्स अप जरूर, स्माइली जरूर भेजें, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है आपके लिए, बहुत मेहनत करना पड़ता है, सब कुछ बंद करके। अभी समझ सकते हैं 11:20 हुआ, अभी तक 11:20 हो रहा है, सुबह डालने के लिए इसको अभी बना रहे हैं, सब सिर्फ लाइट जल रहा है, पंखा सब ऑफ है, गर्मी में रह के मतलब आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आप तो इतना कर सकते हैं, ठीक है, आपको खुद समझ में आना चाहिए, खुद समझना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, आज यहीं पे लास्ट होता है आपका लेक्चर, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपका आगे, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन को लेके आ रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में। देखते रहिए वीडियो को, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।